उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मोहद्दीपुर स्थित एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 9 दिसंबर से कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा भगवान गौतम बुद्ध की धरती कुशीनगर से शुरू होकर विभिन्न जनपदों से होते हुए 20 दिसंबर को संत कबीर की धरती मगहर में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में पार्टी के बड़े नेता सहित कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी सभी प्रांतों में प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में तमाम मुद्दों को लेकर पद यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि यह पद यात्रा 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगी, जिसमें 200 लोग परमानेंट चलेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, अरुण अग्रहरी, डॉक्टर बी एस सिंह, अनिल सोनकर, सुमित पांडे, राकेश यादव, दिलीप निषाद, अनवर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा, जो पदयात्रा है वो तमाम विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को समाप्त करके यहाँ पे भाईचारा बनाना चाहते हैं और उस भाईचारा बनाने के लिए यात्रा की आवश्यकता महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, इसलिए यात्राएं निकाली जा रही है। ऐसा साथ में परमानेंट रहेंगे जो प्रादेशिक यात्रा होंगे और उस समय उस जिले में जाने के बाद यात्रा का रूप विकराल होगा। बहुत ज़्यादा लोग इस समय समर्थन के लिए तैयार हैं, तमाम लोगों से मेरी बात होती रह रही है और तमाम समाज ये यात्रा हमारी हो रही 340 किलोमीटर। सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे और मेरा उद्देश्य ये था, मैं आज आप सबको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद हम आप सबसे मिल नहीं पाए थे और एक बार हम चाहते थे अभी सभी प्रेस के साथियों से मुखातिब हो जाएं और एक ऐसा संयोग भी था कि कल से मेरी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। इस जोन की, पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा कल से कुशीनगर के ऐतिहासिक धरती से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आप सबको इस यात्रा के बारे में कुछ बात करनी थी। यात्रा कल से शुरू होके और 20 तारीख तक विभिन्न जनपदों से होते हुए वापस मगहर में संत कबीर जी की धरती पे उसका समापन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी सम्मिलित होंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या कुछ चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो चाहे भूपेश बघेल जी, जिनकी भी सहमति बन जाएगी 20 तारीख को आप सबके बीच में उस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए हम आप सबको बुलाए थे और ये यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। जिस तरह राहुल गांधी जी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर प्रांत में, जैसे जो हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अपने प्रांत में एक यात्रा राहुल जी के समर्थन में जारी करेंगे और महंगाई के खिलाफ होगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ होगी और तमाम ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर को क्यों चुना आपने? कुशीनगर इस पूर्वांचल की एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ था और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हमने उस धरती को चुना। क्या पदयात्रा ही होगी? पदयात्रा होगी, 20 से 25 किलोमीटर की रोज पदयात्रा होगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? जिसमें हमारे साथ 200 लोग परमानेंट चलेंगे जो प्रादेशिक यात्री के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद हर जिले के लोग उस जिले में पहुंचने पर उस जिले के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सम्मानित साथी और तैसे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हमसे इस समय लगातार संपर्क में हैं, तमाम आंगनबाड़ी आशा मित्र जो कार्यकर्तियाँ हैं, ये तमाम लोग हमसे संपर्क में, वो लोग भी उसमें भाग लेंगे और वो यात्रा में सहभागी होंगे।